उत्तराखंड में 2 दिसंबर को निकायों का कार्यकाल समाप्त हो रहा है, जिसको लेकर पूरे प्रदेश में चुनाव को लेकर घमासान मचा हुआ है। विपक्षी दल कांग्रेस पार्टी प्रदेश सरकार पर निकाय चुनाव समय पर न कराने का आरोप लगा रही है। वहीं इस मामले में उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी का कहना है कि प्रदेश सरकार जानबूझकर निकाय चुनाव कराने में देरी कर रही है। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कांग्रेस पार्टी पर पलटवार करते हुए कहा कि निकाय चुनाव को 6 महीने से ज्यादा समय के लिए नहीं टाला जा सकता है और परिसीमन को लेकर कामकाज होना बाकी है। उन्होंने कहा कि निकाय चुनाव समय पर कराया जाएगा और निकाय चुनाव में बीजेपी की जीत सुनिश्चित होगी। आपको बता दें कि नियम के अनुसार निकायों के कार्यकाल समाप्त होने के पहले चुनाव हो जाना चाहिए। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को पहले तो ये राय देना चाहूंगा कि आप हमेशा अपनी बात करिए कि आपने क्या किया, आप क्या कर रहे हैं, कांग्रेस ने क्या किया क्या नहीं किया। अगर यही बताना है तो इस देश में तो जो सब कुछ हो रखा वो कांग्रेस ने किया। इस देश में अगर कुछ भी हो रखा है, कुछ भी निर्माण से लेकर, कोई मैन्युफैक्चरिंग से लेकर, विद्यालयों से लेकर आईएम तक जो है वो कांग्रेस ने खड़े किए। भारतीय जनता पार्टी अपनी असफलता को छुपाने के लिए हमेशा कांग्रेस की बात करती है, कांग्रेस ने ऐसा किया, आप क्या कर रहे हैं, आप क्यों नहीं चुनाव करा पा रहे। कांग्रेस ने तो हमेशा समय पर चुनाव कराए हैं। ये कोई नई बात नहीं है कि उत्तराखंड में जो पंचायत चुनाव आगे जा रहे हैं, ये परंपरा है, भारतीय जनता पार्टी की असफलता है। जम्मू कश्मीर में लंबे 4-5 साल से भी चुनाव नहीं हुए, ये सब आपके सामने। पहली बात तो मैं कांग्रेस के लोगों पर ये आरोप लगाता हूँ कि जब 60 नगर पालिका नगर निगम हुआ करती थी टोटल संख्या और किसी प्रकार के नए गठन संभव नहीं थे तो उन्होंने क्यों नहीं समय पर चुनाव कराए। आज तो 103 की संख्या हो गई है, नगर पालिका की नगर निगम की संख्या बढ़ रही है। कल ही एक नई नगर पंचायत की घोषित हुआ है, नगर क्षेत्र का विस्तार हो रहा है। तो नगर क्षेत्र का विस्तार होता है तो सीमांकन भी होता है, वहाँ आरक्षण की चिंता भी करनी पड़ती है, मतदाता सूची नहीं बनती है, इतने समय लगता है। वैधानिक व्यवस्था है, 6 महीने ज़्यादा तो कोई रोक नहीं सकता है। तो जब भी चुनाव होगा, हम लोग पहले भी जीते हैं, आगे भी चुनाव जीतेंगे।